राधे राधे दोस्तों। तो आज है क्रिसमस और मेरा ये सेकंड ब्लॉग है। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ नाश्ते में आलू के गर्मा गर्म भजिए। ये देखिए, आप लोग भी खा लीजिए आलू के भजिए। यहाँ पर ये बेटी को पढ़ा रहे हैं और मैं वापस किचन में आ गई हूँ। आज हम बना रहे हैं कढ़ी कढ़ी चावल। इसमें डाल दिया है घी 1 चम्मच करी। ये अच्छा गर्म हो गया, मेथी दाना डाल दें और तड़के के लिए है दाल में लहसुन, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, ये सब भी डाल देंगे। पहले डाली जीरा, एक चम्मच की करी काली डाल दी, सारे मसाले डाल दिए। यहाँ पर मैं कोई अलग से तड़का नहीं लगाती कढ़ी में, तो मैं सारे घी में ही फ्राई कर लेती हूँ। मिर्ची और सारे पत्ते वगैरह ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें छाछ डाल दूँगी। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, देखिए लहसुन भी अच्छे से पक चुका है। और ये छाछ रखा है तो छाछ डाल देंगे। छाछ को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये फटेगा नहीं। देखिए चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच के करीब बेसन ऐड कर देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। छाछ में अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन तो बहुत ही अच्छी कढ़ी बन के तैयार होती है। अच्छे से चलाते हुए बेसन को छाछ में मिक्स करना है जिससे अच्छी सी कढ़ी बन के तैयार होगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी कढ़ी बन के तैयार होती है घर के छाछ से। तो इसी तरीके से चलाते हुए मिक्स करना है जिससे छाछ और बेसन अलग अलग ना हो, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को और उबाल आने तक हम इस कढ़ी को पकाएंगे। देखिए उबाल आ चुका है, ये 2-3 उबाल आने तक कढ़ी को पकाती हैं। देखिए मीडियम आंच पर कढ़ी को पकाया है, ये एक और उबाल आ चुका है कढ़ी में, दूसरा उबाल भी आ चुका है, ये 3 उबाल आ चुके हैं कढ़ी में। बहुत ही अच्छी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। इसमें मैंने भजिए भी डाल दी हैं, भजिए पहले ही बना लिए थे जब नाश्ता बनाया था, तो धनिया भी डाल दी है। लंच बन के तैयार हो गया, चावल भी बन गए हैं। आज है क्रिसमस, 25 दिसंबर है आज, तो उसके लिए तैयारी चल रही है बच्चे का बेबी फोटोशूट। तो ये वाइट कलर की बेडशीट चाली है, इस पर हम ट्री डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये आंवले के पत्ते लिए हैं, इनसे ट्री बनाएंगे, क्रिसमस ट्री। चलिए बनाते हैं क्रिसमस ट्री। देखिए किस तरीके से मैं ट्री डेकोरेट करती हूँ। यहाँ पर ये मैरी क्रिसमस लिख रहे हैं, तो ये देखिए ट्री बन चुका है। तो आपको कैसा लगा ये क्रिसमस ये ट्री? हमारा सेंटा आ गया, इसको लगा दी टोपी। यहाँ पर सेंटा को टोपी पहनाई जा रही है, ये देखिए वो ट्री को ही देखे जा रहा है, फोटो निकलवाने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए इसकी पोटली भी बांध दी है। ये देखिए बहुत ही क्यूट सा सेंटा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मुश्किल से जाके इसने कैमरे की तरफ देखा है। ये हो गया हमारा सेंटा तैयार। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।